नमस्कार, आज का वीडियो है गुरु राहु के चांडा योग के बारे में। 29 जनवरी 2016 से 11 अगस्त 2016 तक गुरु और राहु सिंह राशि में साथ में चलेंगे, जिसको चांडा योग कहेंगे। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, उसको चांडा योग कहते हैं। 29 जनवरी 2016 को राहु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 11 अगस्त 2016 तक गुरु सिंह राशि में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और राहु का सिंह राशि के अंदर, राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए कैसा है, उसके बारे में आज का वीडियो। राशि चक्र की तीसरी राशि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि को जो ये भ्रमण है गुरु और राहु का, पराक्रम साल में होने वाला है। गुरु के लिए ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स, भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव के फल को नष्ट करते हैं। मतलब तीसरा स्थान जो है वो भाई पांडु पराक्रम साहस का स्थान है। तो तीसरे स्थान में जो राहु है वो शुभ फल देने वाले पाए गए हैं, लेकिन गुरु भाव गुरु साथ में होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है अपने रिलेशंस में, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, नेबर्स के साथ, और थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है नए साहस के अंदर। वैसे जो गुरु पराक्रम स्थान में है वो दृष्टि जो है उनकी बहुत शुभ है। तो शुभत्व ये इस प्रकार है कि सप्तम स्थान में गुरु दृष्टि करेंगे तो जो भी जातक अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बनेंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं और मित्रों से लाभ रहेगा, बिजनेस में लाभ रहेगा। खास करके ये चांडा योग के इफेक्ट के अंदर आपको अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना है और ब्रदर सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना है। अशुभत्व के निवारण के लिए गाय को गुड़ खिलाइए और चावल का दान कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, कॉमेंट्स करिए चैनल पर, कॉमेंट्स करिए वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।